टेम्पू वाला इतना पी के धुत था, उसको यही नहीं मालूम मैं कर क्या रहा हूँ। जब पब्लिक उसके पीछे भागी उसको उसने उठा लिया ईंटा मारने के लिए। ये देखिए मिट्टी से ढक दिया गया है, यहाँ ब्लड ही ब्लड, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। चलाने वाले भी गलत है, तो अपने रॉन्ग साइड से जा रहा है और वो इसमें घुस गया जाके वहाँ पेड़ में मार दिया। सोनम मगर रिस्पॉन्स आया ही नहीं। बिंदापुर वहाँ थाना पड़ता है, जब 15 मिनट का रास्ता नहीं है, आप सोचो 15 मिनट का रास्ता 4.5 घंटे लग गए। 9 बजे कार्रवाई होनी थी, 1 बजे कार्रवाई हुई इनकी। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करे। नमस्कार, मैं दिव्या, और आपको बता दे कि एक बड़ी सड़क दुर्घटना आपको बताए, यहाँ पर बताया जा रहा है रात के 9 बजे का समय बताया जा रहा है, जब एक गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और उसकी चपेट में एक व्यक्ति आ गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति थे और काफी ज्यादा नशे की हालत में थे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा तो मोहनलाल शर्मा। आप उस टाइम थे, क्या हुआ था बताइए? वो गाड़ी इधर से आई, हाँ, और आगे जो है ना उसमें लड़के में जो है टक्कर मारी, और फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर वो जाके पेड़ में टकरा गई, फिर वहाँ हल्ला मचा तो हम लोग दौड़ के आए फिर। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? बुलेरो गाड़ी थी, बुलेरो पिकअप। अच्छा, ये बताइए कि गाड़ी जो बताया जा रहा 9 बजे तेज थी, कैसे? बहुत तेजी में थे, ड्रिंक कर रही थी उन्होंने। और जो व्यक्ति था गाड़ी पे था या कैसे जा रहा था? ये पैदल चल रहा था, वो पैदल चल रहा था बाइक, पैदल उसके हाथ में बाइक था, वो पैदल बाइक से लेके यूं चल रहा था, पैदल पैदल जा रहा था। अच्छा, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर खून के भी काफी ज्यादा धब्बे। भाई रात के 2 बजे हुआ है, अब इस टाइम पे देखो ना, रात से कितनी गाड़ियाँ चल रही है, तो बुलेट कहाँ से दिखेगा? फिर भी दिख रहे हैं ना यहाँ पे बुलेट। ये देखिए, ये दोनों के तो नंबर है इनके, और ये गाड़ी का मैंने आते ही तुरंत फोटो लिया, 9:15 पे मैंने उनकी फोटो ली है। ये गाड़ी के नंबर है, ये दोनों मालिकों के नंबर। फिर मैंने मालिकों को फोन किया तो मालिक बोले ये गाड़ी हमने भेज दी है और दूसरे के नाम में है, उनको मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, ये जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई वो यहीं रहने वाला था, कहीं और रहने वाला? यहीं का रहने वाला है, ये रह रहा था बराबर में, उसकी अभी बॉडी भी रखी हुई है अभी। हाँ। अच्छा, और जो ये जो दोनों लड़के गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी छोड़ के चले गए या क्या था? भाग गए जी, गाड़ी छोड़ के ही भाग गए थे, गाड़ी यहीं छोड़ गए, फिर बाद में लेके गए उस गाड़ी को। लगभग 2 बजे का टाइम था, उस समय वो गाड़ी वाले लेके गए, पुलिस वाले लेके गए। आपको मैं एक बार वो जगह दिखाती हूँ। बताया जा रहा है यहाँ से गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और सीधा जाकर जिस पेड़ से टकराई है, वो पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी वो जगह है। आप देखेंगे ये जो रेड कलर की गाड़ी खड़ी है, पहले आपको दिखाएंगे ये सामने वाला जो पेड़ नज़र आ रहा है, इस पेड़ से गाड़ी टकराती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो दोनों युवक थे काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में थे, और उसके बाद जो व्यक्ति है उसको मारते हुए, ये देखिए ये वाला जो पेड़ है, फिर इससे टकराती है और यहाँ पर जाके बताया जा रहा है कि गाड़ी फंस जाती है और जो दोनों गाड़ी के अंदर चालक सवार थे वो फरार हो जाते हैं। एक बार परिवार वालों से भी मिलेंगे। बताया जा रहा है कि जो ये लड़का है वो घर में अकेले कमाने वाला था और इसी रास्ते से जा रहा था, सामने ज़्यादा दूरी पे घर नहीं है। एक बार जुड़ेंगे परिवार वालों से और क्या जानकारी है वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अभी उस व्यक्ति की बॉडी भी रखी हुई है। आपका बेटे की उम्र कितनी थी? 22 साल। तो रात को जब ये हादसा हुआ था तो ये कहाँ काम पर जा रहे थे या आ रहे थे? नहीं, वो पेट्रोल तेल डलवाने जा रहे थे पहले। तो अभी दिल्ली पुलिस ने क्या बताया आप लोगों को? दिल्ली पुलिस बताया कि मिलेगा तुम्हारा हर जाना, मिलेगा तुम्हारा। अभी क्या कहना चाहते हो आप बताइए? बस हमारा हक मिलना चाहिए। इसका एक बड़ा भाई था, वो भी बेचारा गुजर गया। थोड़ा सा यहाँ पे कॉलोनी भी गलत है, ये सिंगल रोड है, ये रोड पे गाड़ी इतना तेजी में चलाते है, कि ये असहाय महिला है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए गरीब के साथ में, क्योंकि इसके आगे एक बच्ची भी है, ये खुद विधवा है, जवानी में ही अपने पति को खो दी है, अब इसके पास आगे पीछे कुछ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी कार्य करे इसके भलाई के लिए करे, कि इसकी बच्चियों का और इसके परिवार का पूरा साथ चल जाए। अच्छा, क्या कहोगे कि गाड़ियां जो इतनी तेज चला के आते हैं यहाँ से? तो मैम बहुत गाड़ियां चलती हैं, और यहाँ से क्या है, इतने हो चुके हैं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं उठता है। ये चौराहा मतलब त्रिकोणा ऐसे बन चुका है भी जैसे मौतों का कुआ। इसके बारे में तो कोई सरकार आए, कोई भी आए, हम यही कहते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है उस रूट में कोई एक लाइट ही नहीं है, ना लाइट है। पाँच साल से अभाव हो गया, जो सरकार आई
ये नहीं कोई जो सरकार है आज तो उस रोड पे लाइटें नहीं लगी, एक लाइट लगी है जो चोरों ने निकाल दी। आए दिन वहाँ स्नैचिंग होती है, आए दिन वहाँ पर हर क्राइम वहीं पर होता है, इससे पहले भी क्राइम हुए, ये नहीं कि ये अनोखा क्राइम है, और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। उसके बाद हमने आला अधिकारी को भी इन्फॉर्म दिया, लिखित में भी दिया। तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी आती रहती है बार बार, मैम दिल्ली पुलिस वाले उनके सामने छीनाछानी हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते, वो देखते रह जाते हैं। अच्छा डीसीपी शंकर जी आए, क्राइम है कम हो गया, बस कुछ इतना ये है लिमिट हो गया, जो पहले स्नैचिंग डायरेक्ट होती थी ना, अब छुपक क्यों होने लग गई। पुलिस को भी चक्कू दिखा के यहाँ जो है ना यहाँ काम हो रहा है। बेटा जितना बड़ा आपका चैनल है, हम आपके चैनल के माध्यम से ये पहुँचाना चाहते हैं अपने थाना इंचार्ज महोदय को, अपने डीसीपी साहब को, कि इसके साथ न्याय होना चाहिए। देखो आप इसकी मकान की हालत देखिए, क्या साधन है इसके पास, साधन होता तो इसका भी आज 3 मंजिला मकान होता। इसका आदमी चला गया, इसका बेटा चला गया, दूसरा बेटा भी चला गया। देखिए कल जो है रात को यहाँ से एक टेम्पू ने जो यहाँ का यहाँ बच्चा रहता था उसको, वो घर से बाहर निकला है तो टेम्पू से उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो पुलिस वाले लेके गए थे दीनदयाल हॉस्पिटल और वहाँ से फिर वहाँ पे उन्होंने मृत्यु घोषित करी और फिर पोस्टमार्टम होके आज दिया है। तो सभी लोगों का यही था कि जो भी घटना घटी है और जिसने भी ये करा है उसको अरेस्ट किया जाए और उस पर कार्रवाई हो, और जो भी देखिए जो इंसान चला गया वो तो वापस नहीं आता, लेकिन ये ऐसा एरिया है कि भाई वो पूरे सक्षम नहीं है, सिर्फ माँ रह गई और बेटी रह गई है, तो उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम सबकी यही मांग थी कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, और पुलिस ने कर ही रही है, लेकिन हम चाहते थे कि अच्छे से और जल्दी हो। देखिए लगातार सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें जो लोग हैं वो नशे की हालत में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जिसके बाद जो निर्दोष होते हैं उनकी ऐसी हत्या हो जाती है। अभी आप देखेंगे डेड बॉडी भी यहाँ पर पड़ी है, घर की हालत भी आप देख सकते हैं, इनका करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है, उन दोनों चालकों को कब तक पकड़ती है जो नशे की हालत में अपनी गाड़ी को यही छोड़कर तुरंत फरार हो गए। अब देखना ये होगा दिल्ली पुलिस कार्रवाई कब तक करती है। तो इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।